नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम सिरसा की एक प्रमुख समस्या पर चर्चा कर रहे हैं और वो समस्या है सिरसा के थेहड़ की। थेहड़ पर आबाद लोगों के आशियाने उजाड़े गए हैं और जो बाकी बचे हैं उन पर उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ हैं थेहड़ के लोगों की कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहे दीपक फुटेला जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। थेहड़ का मामला इतना पेचीदा है कि न तो थेहड़ के लोग समझ पा रहे हैं, न स्थानीय प्रशासन और न पुरातत्व विभाग। एक आरटीआई में जो पुरातत्व विभाग ने बताया कि सिरसा जो थेहड़ है उसे 3 अक्टूबर 1932 को पुरातत्व विभाग का एक स्मारक घोषित किया गया, लेकिन और उस समय बता रहे हैं कि थेहड़ के अधीन जो पुरातत्व विभाग अपना कब्जा दर्शा रहा है वो 85.45 एकड़ जमीन है। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन ने, लोकल प्रशासन, सिरसा प्रशासन ने 2009 में एक सर्वे करवाया जिसका भी उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट में भी इस नक्शे में उन्होंने दर्शाया है कि 2009 के सर्वे में थेहड़ की जो जमीन थी वो लगभग 35 एकड़ जमीन है। यानी विरोधाभास है कि एक तरफ तो 1932 में बता रहे हैं कि जब इसका डीनोटिफाई किया, इसका संरक्षित घोषित किया उस समय 85 एकड़ जमीन थी और 2009 के सर्वे में प्रशासन कह रहा है कि 35 एकड़ जमीन है। तो आप बताइए कि असल में थेहड़ का मामला क्या है और जो कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई होनी है उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? सर, सबसे पहले तो देखिए विरोधाभास तो इसी चीज में ही है कि आपने जो ये आरटीआई मांगी है इसमें इन्होंने जो लिखा है कि ये नोटिफिकेशन जो है 1932 वाली दिखा रहे हैं अक्टूबर की, तो इसमें ही सबसे जो गड़बड़ है ना वो इसी में है कि नोटिफिकेशन 1932 की है, इसमें सिर्फ थेहड़ मोंड लिखा हुआ है, कोई पर्टिकुलर एरिया मेंशन नहीं है, कितना एकड़ में है वो नहीं है, बिल्कुल कोई एरिया मेंशन नहीं है इसमें। और अगर इसमें एरिया मेंशन होता तो ये एरिया क्लेम कर सकते थे भी, इतना एरिया है हमारे पास। और ये जो एरिया मेंशन ना होने की वजह से ये सारा मामला उलझा हुआ है जी। जो इसके बाद जब कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर जो स्थानीय प्रशासन जो है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डीसी साहब और ये सब, इन्होंने जो डिमार्केशन की थी तो जो ज्वाइंट सर्वे हुआ था 2009 में, 2009 में इन्होंने ये देखिए डिमार्केशन की रिपोर्ट है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि थेहड़ मोंड की निशानदेही में सर्वे भारतीय पुरातत्व विभाग के कर्मचारी की उपस्थिति में इन्होंने की है, ज्वाइंट सर्वे इसको था जिसकी रिपोर्ट भी है और ये नजरी नक्शा भी साथ में संलग्न है। इस रिपोर्ट में देखिए ये जो ज्वाइंट सर्वे की रिपोर्ट है इसमें इन्होंने खुद सभी ने ये माना है जो एग्जिस्टिंग थेहड़ है वो 35 एकड़ में लगभग स्थित है, ठीक है। यानी 2009 में प्रशासन ने माना कि थेहड़ की जो रकबा है वो 35 एकड़ है, बिल्कुल। लेकिन आज पुरातत्व विभाग दावा कर रहा है कि उनका 85 एकड़ है, तो ये जो गड़बड़ी हुई, मतलब 2009 में 35 एकड़ प्रशासन ने माना, पुरातत्व विभाग के कर्मचारी मौजूद थे आप कह रहे हैं उसमें उन्होंने माना 35 एकड़, तो फिर बाद में बढ़ाकर 85 एकड़ कैसे हुआ? ये जो मामला है ना जी, चार तो जो 35 एकड़ को हो गया आइडेंटिफाई हो गया कोर्ट में, इन्होंने 35 एकड़ जगह दे दी जी कि थेहड़ की जो है ना 35 एकड़ जगह है, उनका माननीय डीसी जयगणेशन जी ने ये नक्शा भी हाईकोर्ट में दिया था, ये थेहड़ है और ये थेहड़ के साथ लगता क्षेत्र है, तो जो 35 एकड़ की कार्रवाई तब ये शुरू हो गई थी और ये ज्वाइंट सर्वे का एक नक्शा ये भी है जी, ये भी माननीय हाईकोर्ट में संलग्न है। इन्होंने खुद ये लिखा है कि पूरा थेहड़ खसरा 612 मीन में स्थित है जी। 612 मीन का मतलब होता है कि 612 खसरा नंबर का एक पार्ट हिस्सा, और इसमें लगभग 35 एकड़ जगह में ये स्थित है और 437 मकान नजायज कब्जा किए हुए हैं, बने हुए हैं, ये इन्होंने खुद आइडेंटिफाई किया और इसमें बकायदा डीसी साहब की मोहर है, ये सर्टिफाइड है सब, और इसमें पुरातत्व विभाग के कर्मचारी के भी साइन है जी। ये थेहड़ की सारी निशान, उस थेहड़ मोंड की जो मिट्टी का टीला है उसकी निशानदेही है, ये 35 एकड़ में उन्होंने खुद लिखा है और 437 मकान इन्होंने खुद दिए हैं। ये हाईकोर्ट में इसका प्रोसीजर चल रहा था इसको खाली कराने का जी। तो हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट ने इसको खाली करवाने के लिए इनको ऑर्डर दे दिए, और
प्रशासन की नलायकी कह लें या काम ना करने की वो कह लें, तो इन्होंने ये तो खाली इनसे हुआ नहीं पहले जी। 2012 में एक कंटेम्प्ट जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कोर्ट में शुरू होगी इनके खिलाफ कि आपने 2008 से 12 तक 4 सालों में आपने कोई काम नहीं किया, इस वजह से कंटेम्प्ट इनके शुरू होगी। अब उस कंटेम्प्ट के अंदर ये घबराए हुए और डरे हुए कोर्ट से लोकल प्रशासन जी ये क्या कर रहे हैं कि खाली करवाने की इन्होंने घबराहट में प्रोसीडिंग शुरू कर दी। 437 की जगह पे 788 मकान अब तक ये खाली करवा चुके हैं और लगभग 31 एकड़ जमीन खाली करवा दी। हाँ 31.5 एकड़ जगह ये खाली करवा चुके हैं। पूरा थर्ड मोड जो कच्चा टीला है वो तो एक्चुअली जो है ना हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। कॉन्टेम्प जो प्रोसीडिंग थी उसमें 437 मकान थे वो खाली अब हो चुका है। कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग वैसे तो अब बंद होनी चाहिए क्योंकि जो उसकी ऑर्डर की कंप्लाइंस तो हो चुकी है। यानी 2009 के अगर ऑर्डर माने सर्वे के तो 35 एकड़ थी उसमें से लगभग 31.5 एकड़ खाली हो चुकी है होगी और जितने 400 परिवार इन्होंने 450 परिवार माने वो भी वहां से शिफ्ट कर। हाँ बिल्कुल 437 की जगह। अब आपकी डिमांड क्या है प्रशासन से, सरकार से, अब कोर्ट से? अब जो एक और बीच में 2016 में जो काम जहां से कहानी खराब होती है, 2016 में माननीय हाईकोर्ट में देखिए उस टाइम जो मौके पे मौजूद प्रशासन में मतलब थे ऑफिसर लोग थे, मौजूदा डीसी थे और मौजूदा पटवारी कानूनगो तहसीलदार, इन लोगों ने देखो एक गलत सर्वे रिपोर्ट दोबारा बना दी। मतलब हाईकोर्ट ने तो यही कहा था कि जो उस मौंड के ऊपर जो है ना उनकी आइडेंटिफाई करके देना था, इन्होंने क्या किया 612 मिन को करने की बजाय 611-12 का खसरे की डिमार्केशन कर दी, नया खसरा जोड़ दिया, नया खसरा एक और जोड़ दिया 611 और 612 को भी पूरा ले लिया जी। 612 खसरा नंबर से पार्ट था उसमें पूरा कर दिया। हाँ 612 पूरा खसरा नहीं है थेड, 612 का हिस्सा थेड है जी। ठीक है जी, कोर्ट ने माने कोर्ट ने तो इसको थेड को खाली कराने के लिए बोला था ना कि उसके साथ लगते एरिया को जिसको थेड मोहल्ला बोलते हैं जी। थेड मोहल्ले को खाली कराने के लिए नहीं बोला था वो 2016 में किया, वो इन्होंने 2016 में साथ में अटैच कर दिया। और लोग फिर कितनी टोटल जो 612 में आती है थेड जो खसरा नंबर में है वो कितनी भूमि आज? वो अब 85.5 एकड़, 85.5 एकड़ जगह। और पुरातत्व विभाग उस पूरी पे ही अपना कब्जा कर रहा है वो तो पुरातत्व विभाग तो देखो ये उस दिन कोर्ट में भी एक तारीख पे यही बात हुई थी, वो कहते जैसे आप जितना देते हो जितना आपका प्रशासन दे रहा है हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना दे रहा है हम तो ले रहे हैं। प्रशासन ने 31 एकड़ दे दिया वो उन्होंने करवा ली बिल्कुल, उसमें कुछ निकला भी नहीं, नहीं अभी तक कोई ऐसी कोई महत्व वाली चीज कुछ नहीं निकली है। और पुरातत्व विभाग वाले खुद भी ऑफिसर से मेरी एक दिन बात हुई थी, वो खुद भी कह रहे थे कि इसमें कोई ऐसा कोई हमें कीमती चीज नहीं कह रहे हैं कि कोई सोने चांदी की चीज निकलेगी, हम तो एक सिविलाइजेशन सिस्टम ढूंढ रहे हैं कि पुराने लोग किसी जमाने में कैसे रहते थे। तो इसमें हम तो देखो एक ही बात कहेंगे कि आप नए लोग बसे हुए लोगों को उजाड़ के पुराने लोगों की हड्डियां ढूंढने से देखो इससे में कुछ नहीं निकलेगी जिसमें हड्डियां उठी गई हैं, पर जो निकालना था वो 32 एकड़ में निकल जाएगा बिल्कुल और खुदाई हो भी चुकी है। हाँ, तो आपकी डिमांड क्या है कि आप कितने परिवार थेड़ की जो 85 एकड़ टोटल 612 खसरा नंबर को पूरा इन्होंने काउंट कर लिया कितने परिवार को? देखिए जो अब ये माननीय हाईकोर्ट में ये तो 3040 परिवार बताते हैं जी, 85.5 एकड़ में 3040 परिवार रह रहे हैं इस टाइम मौजूदा। बाकी जो रियलिटी है जो ग्राउंड रिपोर्ट है आपको बड़ी आश्चर्य होगा ये जान के कि रियलिटी में वहाँ 7-8 हजार परिवार इस टाइम मौजूदा रह रहे हैं जो और जिसमें मान के चलिए इन दो खसरों में जी। और मान के चलिए कि तीसरा हिस्सा शहर की आबादी का है, लगभग 40 हजार लोग हैं वहाँ जो यानी आज भी स्थानीय प्रशासन की कहें कि एक टेक्निकल गलती की वजह से 40 हजार परिवारों पर 40 हजार लोगों पर लगभग 8 हजार परिवार 40 हजार लोगों पर अपना घर छोड़ने का खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कोर्ट में आप इस लड़ाई को पूरा कर पाएंगे? देखिए 2016 से जो हमें लपेटा गया है गलत एक उसकी वजह से निशानदेही की वजह से तो हम 2016 से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो हमें भगवान पे पूरा भरोसा है और देखिए जो गलत है वो तो गलत, हम तो ये कहते हैं सरकार को भी कि गलत को आप कोर्ट में गलत कहें कि इस अधिकारी से गलती हुई है और हमारे इस अधिकारी से उसको आइडेंटिफाई करके बकायदा अधिकारी की गलती आप कोर्ट में बताएं तो बढ़िया है, ठीक है जनता को बचाने का काम करे सरकार तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें मजबूरी में देखो आंदोलन अपना करना पड़ेगा, हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। देखो एक आशियाना होता है ना जो घर होता है, एक चिड़िया भी अपना घर जब घोंसला बनाती है
तो मेहनत से बनाती है, इतनी मेहनत से उसमें बच्चे उसके रहते हैं, अगर उसके घोंसले पे खतरा आता है तो चिड़िया भी चोंच मारती है, चाहे वो उसका कुछ नहीं कर सकती पर चोंच तो देखो मारती है। तो इसी तरह अगर हमारे घरों के ऊपर कोई देखो आंच आएगी, किसी तरह का कुछ भी होगा, हम मर जाएंगे तो हम घर तो खाली करेंगे नहीं, ये तो हमारा देखो है, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानून में रह के सब कुछ करेंगे। यानी कि आपकी डिमांड स्थानीय प्रशासन और सरकार से है कि 2009 के सर्वे में जो 35 एकड़ थी उसे 2016 में बढ़ाकर 85 एकड़ किया गया, जिस अधिकारी ने गलती की उस अधिकारी को सजा हो या वो अधिकारी कोर्ट में जाकर अपनी गलती माने कि ये मेरे से गलती हुई है, जो एक्चुअल थेट की जमीन थी वो 35 एकड़ थी और उसमें से 31 एकड़ खाली हो चुकी है और 700 लगभग परिवारों को शिफ्ट भी किया जा चुका है, इसलिए बाकी का जो थेड़ है उस पर अब किसी तरह का कोई खतरा ना हो। जी बिल्कुल, यही आपकी डिमांड है। बिल्कुल जी, हम तो समझे ये भी कह रहे हैं, देखो घर किसी का उजड़ना नहीं चाहिए, 788 परिवार जो वहां से उठाए हैं ना, प्रॉपर उनकी रिहैबिलिटेशन का कोर्ट से ऑर्डर है कि पहले इनको बसाओ फिर उठाना था, जबकि ये यहाँ स्थानीय प्रशासन कर बिल्कुल उसके अपोजिट रहा है, उनको भी यहाँ एक टेम्परेरी हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में बिठा दिया गया है और वहाँ नर्क की जिंदगी वो जी रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि उनको भी बेचारे गरीब परिवारों को उनको भी खुद का घर मिले, निःशुल्क का घर मिले, चाहे वो प्लाट के रूप में दें, 100-100 गज के प्लाट दे दें या मकान दे दें, कुछ भी दें, पर वो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, उनको भी देखो रहने का ठिकाना मिलना चाहिए। दीपक जी, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि प्रशासन को शायद भगवान सद्बुद्धि दे कि उनकी टेक्निकल गलती की वजह से जो 2016 के अंदर थेड़ की 35 एकड़ जमीन को बढ़ाकर के 85 एकड़ जमीन की गई, जिसकी वजह से आज 40,000 लोगों पर अपना घर टूटने का जो एक चिंता बनी हुई है वो दूर हो, और इस मामले में हाई कोर्ट के अंदर 17 जनवरी की तारीख लगी हुई है, उस 17 जनवरी पर थेड़ के लोगों की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। अब देखते हैं कि उस पर कोर्ट क्या संज्ञान लेता है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।